Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel Baking and Cooking with me. It's me Sadaf Afshan और आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक न्यू और ज़बरदस्त रेसिपी स्किलेट कुकीज़ की, जिसको हम बनाएंगे जी स्टोव के ऊपर। तो बहुत ही ज़बरदस्त से स्किलेट कुकी बनाने के लिए चलते हैं। यहाँ पर जी मैंने एक सिजलिंग ट्रे ली है। अगर आप लोगों के पास सिजलिंग ट्रे नहीं है तो आप कोई पैन भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने ऐड कर दिया है 100 ग्राम्स बटर और मैंने सॉल्टेड बटर यूज़ किया है। अभी हम इसको मेल्ट करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। मैं इसको जो हूँ चूल्हे के ऊपर ही बनाऊँगी। आप लोग अगर चाहें तो इसको पैन में भी बना सकते हैं, और उस अगर आप लोगों के पास सिजलिंग ट्रे है तो आप उसको ओवन में रख के बेक कर सकते हैं। मैं सिजलिंग ट्रे के ऊपर ही बना रही हूँ, लेकिन मैं इसको चूल्हे पर बनाऊँगी। अच्छा जी, बटर हमारा मेल्ट हो गया है। मैंने इसको सिजलिंग ट्रे पर डायरेक्ट डाल के मेल्ट कर लिया था, और अभी मैंने इसको एक बोल में डाल दिया है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और अगर आप लोग चाहें तो बटर को अलग से किसी बोल में डाल के माइक्रोवेव में मेल्ट कर सकते हैं। खैर जी, अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं ब्राउन शुगर 120 ग्राम। और ब्राउन शुगर ऐड करने के बाद अभी हम करेंगे बटर और ब्राउन शुगर को थोड़ा सा मिक्स। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको मिक्स करना है, और बटर को जब हम ठंडा कर देंगे अच्छे तरीके से तब हमने इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। यहाँ देखें जी, अभी मैं इसमें 1 एग ऐड कर रही हूँ। अगेन वही बात, अंडे को हमने रूम टेम्परेचर पर ऐड करना है, फ्रिज से निकाल के अंडे को इस्तेमाल नहीं करना है। अभी हम इन तीनों चीज़ों को अगेन अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एक्सट्रैक्ट 1 टीस्पून। मैंने इसमें वनीला एसेंस ऐड कर दिया है। और भी इसको हम ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून। बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। अगेन इसको मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं जैसे ही हमारा बटर ठंडा हो रहा है तो हमारा बैटर थिक होता जा रहा है। और अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का लम्स नहीं रहना चाहिए। एक ज़बरदस्त हमारा बैटर तैयार है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट बिल्कुल हमें ज़रा सा ऐड करना है, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी सॉल्टेड बटर ऐड किया है, तो हमने सॉल्ट को बहुत थोड़ा सा ऐड करना है। अभी हम इसमें फ्लावर ऐड कर देंगे। मैदा ऐड करेंगे जी मैं इसमें 3/4 कप। बस अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने मैदे को इस बैटर में मिक्स कर लेना है। कहीं पर भी मैदे की गिल्टियाँ नहीं रहनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा मैदा मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको मिक्स करती रहूँगी। अभी मैंने जो मैदा बचा के रखा था वो भी इसमें ऐड कर दिया है, और अगेन इसको मिक्स कर रही हूँ। ज़बरदस्त सा हमारा जो बैटर है वो जी बस रेडी होने वाला है विदिन 2 मिनट्स। यहाँ देखें जी, बैटर तैयार है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे चॉकलेट चिप्स। मैंने यहाँ पर 1 कप चॉकलेट चिप लिए थे, लेकिन सारे की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपकी मर्ज़ी है। आप लोग चॉकलेट चिप चाहें तो 1/2 कप भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप लोगों को थोड़े पसंद है। मैंने इधर 3/4 उसमें ऐड कर दिए हैं चॉकलेट चिप्स। और अगर आप लोग चाहें तो किसी भी चॉकलेट बार को चॉप करके इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, आप देख रहे हैं जिसमें मैंने बटर को मेल्ट किया था उसके सिजलिंग ट्रे के ऊपर ऑलरेडी बटर लगा हुआ है, तो हमें इसको किसी भी चीज़ से ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। इस कुकी बैटर को हम इसमें ऐड कर देंगे और तमाम साइडों पर स्प्रेड कर देंगे। स्पैचुला की हेल्प से हम इसको तमाम साइडों पर इक्वली स्प्रेड करेंगे। कहीं पर भी मोटा या पतली लेयर नहीं होनी चाहिए, हर तरफ हमारी इक्वल लेयर होनी चाहिए। थोड़े से चॉकलेट चिप्स ऊपर से और स्प्रिंकल कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अच्छा जी, अभी हम इसको चूल्हे पर ही बनाएंगे, तो 15 मिनट्स में हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे बेक करेंगे। और जो लोग इसको ओवन में बेक करेंगे वो इसको 15 मिनट्स पर ही बेक करेंगे 180 डिग्री पर। तो मैं तो इसको चूल्हे पर ही बना रही हूँ ताकि ये जल्दी से बन जाए। तो यहाँ देखें जी, तकरीबन 12 से 13 मिनट में ही जो कुकी थे वो ज़बरदस्त से तैयार हो गए थे, और हम इसको इसी सिजलिंग ट्रे के ऊपर सर्व करेंगे। कैरेमल आइसक्रीम के साथ मैं इसको सर्व कर रही हूँ, और अगर आप लोग चाहें तो वनीला के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन कैरेमल और वनीला इन दोनों के साथ ही इसका फ्लेवर आई गेस अच्छा जाएगा। तो यहाँ पर जी कैरेमल आइसक्रीम के स्कूप्स लगा दिए हैं। इसके ऊपर जी अभी हम डालेंगे ज़बरदस्त सा कैरेमल सॉस। चाहें तो चॉकलेट सॉस भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और अभी थोड़ा सा मैंने कुकी क्रम्बल रखा था, मैंने एक और बनाए थे कुकी जिसका मैंने क्रम्बल इसमें निकाल के थोड़ा सा रख लिया था। अगर आप लोग चाहें तो इसके ऊपर किसी भी मार्केट से लेके कुकीज़ को उसका क्रम्बल करके इसके ऊपर ऐड कर दें। क्रंच ऐड करना चाहें तो वो भी कर दें। सर्विंग इट्स अप टू यू, जिस तरीके से आपको सर्विंग पसंद है इसको उस तरीके से सर्व करें जी। मैंने इसको वनीला आइसक्रीम
कैरमल आइसक्रीम और कैरमल सॉस और ऊपर कुकी क्रंच के साथ इसको मैंने सर्व किया है। बस ये आज की रेसिपी इतनी ही थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।